दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले बैटकॉम ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर थोड़े अपडेट्स ले लेंगे कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। पिछली बार वाली अपडेट वाली वीडियो में मैंने ये वाली चीज़ बताई थी कि यहाँ से अच्छा खासा डाउनसाइड आएगा और फिर यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड आएगा। ये वाली जैसे मार्क करके रखा हुआ ऑलरेडी, इस वाले जोन से अच्छा खासा अपसाइड आएगा। बट मेरी एक्चुअली बैंक जोन्स जो थी वो ये वाली बैंक जोन्स थी। मैं बताऊँ, मेरी जो मेन बैंक जोन जो थी, ये वाला भी मेरा पहला बैंक जोन था, ये मेरा फर्स्ट बैंक जोन था, और ये वाला जो मेरा है सेकेंड बैंक जोन था मेरा ये। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग जोन से थोड़ा सा नीचे जाके स्टॉक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आज स्टॉक अराउंड अराउंड 5% अप है। ठीक है, तो उसका रीज़न देख लेते हैं। स्टॉक 5% अप क्यों? क्योंकि इसका रिसेंट रिसेंट रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस जो है वो टूटा है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस जो है नियरेस्ट रेजिस्टेंस, तो अभी इसका नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? ये वाला रेजिस्टेंस होगा, जो ये 50 MA वाला रेजिस्टेंस है, और एक ये जो लाइन बनी हुई है। तो मैं बताया था कौन सी जगह पर रेजिस्टेंस होगा। पहला रेजिस्टेंस जो होगा 54.45 पे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा अराउंड अराउंड 51.85 पे होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, अगर हम लोग पहले की देखें कैसा परफॉर्म करता है स्टॉक 50 MA के आसपास, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो 50 MA के ऊपर थोड़ा सा जाती ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है यहाँ। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल में स्टॉक अभी थोड़ा सा बेरिश है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको अभी बाइंग्स वगैरह नहीं करी है तो अभी बाइंग्स रुक जाओ। जैसे ही ये इस पर कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ दिया तो ये अच्छा खासा अपसाइड में जा सकता है, बट अगर नहीं टूटा तो वहीं से अच्छा खासा डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके शॉर्ट टर्म व्यू पे देखें तो स्टॉक रिसेंटली कुछ दिनों में, जैसे ये 4 आवर्स की चैनल कैंडल है, यहाँ पर अगर इसको 1 आवर में कर दें, 1 आवर में करते हो, तो डेली बेस पे ये है एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे गैप अप तो हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो वॉल्यूम्स अगर आप लोग फोकस करें तो वॉल्यूम्स इतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। बट एक और चीज़ भी है यहाँ पे, दोनों क्रॉसिंग होने वाली है, जब 50 MA और 200 MA दोनों की क्रॉसिंग होने वाली है, जैसे ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, दोनों की क्रॉसिंग होने वाली है, तो वो वाली चीज़ पर भी फोकस कर सकते हो। यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड आ जाएगा। ठीक है, उस चीज़ पर थोड़ा फोकस कर लेना कि यहाँ पे स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है इसकी क्रॉसिंग के बाद, क्योंकि क्रॉसिंग के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड भी आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे हिसाब से कल या परसों में क्रॉसिंग हो जाएगी इसकी। और इस चीज़ से फोकस कर लेना कि जो मैंने 50 MA और 50 MA के बारे में बताया, उसके अलावा एक बार RSI भी फोकस करें। तो ये वन डे कैंडल्स पे मैं इसका RSI दिख रहा हूँ। इसका RSI जो है एक अच्छे खासे, मतलब कि ये यूजुअली कब होता है, जब एक अच्छा खासा मैनिपुलेशन हो रहा होता है। बट अभी ये मैनिपुलेशन तो इसको नहीं बोल सकते, मैनिपुलेशन तब होता है जब वॉल्यूम्स इंक्रीज होती हैं और स्टॉक अपसाइड जाता है। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही है, स्टॉक भी अपसाइड जा रहा है, तो वो वाली चीज़ तो अभी हो नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है अच्छा खासा अपसाइड आया है, तो यहाँ तक का एक अपसाइड आ सकता है 70 तक का, अपने ओवर सेल ओवर बॉट वाले जोन में जाके फिर ये डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ पर थोड़ा फोकस कर लेना। उसके अलावा हम लोग और MACD पर फोकस करें। MACD तो MACD तो ग्रीन में है, मतलब कि एक अच्छा खासा अपसाइड चलता रहेगा अभी, जब तक ये ऐसा कुछ फॉल नहीं आ जाए। बट एकदम ग्रीन हो चुका है, जैसे आपको दिख रहा हो, जब 3-4 कैंडल्स ग्रीन में हो जाती हैं उसके बाद एक डाउनफॉल आता है। तो यहाँ से सब चीज़ें एक इंडिकेट कर रही हैं कि अच्छा खासा डाउनफॉल आने वाला है। और वो डाउनफॉल कब आएगा, जैसे मैंने बताया, जब कभी भी ये रेजिस्टेंस टच होगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास भेज देना, सेल ऑफ कर देना, मतलब 52.50 के अराउंड सेल ऑफ कर देना। दिस इज़ ऑल अबाउट BCG ग्रुप्स। If you like this video, do hit subscribe to my channel and like this video. Thank you.